Sasa re re mama papa re re mama papa ni ni sasa sa ni da pa ma re ma pa 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 mama pa 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 ma pa da ni da pa ma re ga za re ma pa 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 mama pa 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 ma pa sa ni da pa ma re ga za ni sa re ma ga re ma pa ni da pa ma pa ni sa re ma ga re sa ni da pa ma re ma वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ उर्वशी अंचौरी। और आज हम आए हैं आगा खान पैलेस एक्सप्लोर करने, जो कि विमान नगर में पड़ता है पुणे के। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे एंड यू कैन सी, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस लग्जूरियस प्लेस। मेरे को बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है यहाँ पे, सो लेट्स गो। ये है इसकी टिकट प्राइस एंड टाइमिंग। Majestic place was built in 1892 by Sultan Muhammad Singh Aga Khan III in Pune city. ये palace Indian freedom movement से linked है, क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी, उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी एंड उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई को नजरबंद रखा गया था 9 अगस्त 1942 से 6 मई 1944 तक। और ये आंटी हाय बोल रही है आपको। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सरोजनी नायडू एंड काफी और लोगों को भी यहाँ नजरबंद रखा गया था, और यहीं पे कस्तूरबा गांधी एंड महादेव देसाई की डेथ हुई। चलो अभी अंदर चलकर ये म्यूजियम एक्सप्लोर करते हैं। ये है गैलरी वन, जहाँ सेंटर में गांधी जी का स्टैचू है, और ये साइड में चार्ट्स एंड डायग्राम्स है जिसके थ्रू क्विट इंडिया मूवमेंट की हिस्ट्री को डिपिक्ट किया गया है। ये जब गांधी जी ने अहिंसक तरीके से लड़ाई लड़ने का ऐलान किया, ये जब क्रिप्स मेट गांधी जी एंड गांधी जी रिजेक्टेड क्रिप्स प्रपोजल, ये जब क्रिप्स ने भारतीय नेताओं से मुलाकात की। पूरी डिटेल्स के लिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप पोज करके अच्छे से पढ़े इसको। डिसोबीडियंस मूवमेंट जो ब्रिटिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया, लॉर्ड लिनलिथगो'स ऑगस्ट ऑफर, जिसमें डिक्लेयर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस एस्टेब्लिश करेगी इंडिया में, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, गांधी जीज रिएक्शन ऑन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सेकेंड में दूसरी बार विदेशी धरती पे भारतीय सैनिकों ने बेहतर दुनिया के लिए अन्य देश की ओर से वीरता एंड बहादुरी पूर्वक युद्ध किया। ये है गैलरी 2, 1942 से 44 तक श्रीमती मीरा बेन एंड श्रीमती प्रभावती नारायण को इस हॉल में बंदी बनाकर रखा गया। ये स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। स्टैचू जिनकी डेथ इसी पैलेस में हुई थी। महादेव देसाई, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था नजर कैद हुए और महादेव देसाई की डेथ हो गई। 14th जुलाई 1942 को क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट जिसकी कमेटी ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में 7 अगस्त को शुरू हुई एंड 8 अगस्त को पूर्ण हुई, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का मंत्र दिया कि या तो हम जीतेंगे या आजादी की लड़ाई में मर जाएंगे पर हार नहीं मानेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट कमेटी के बाद 9 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग में गांधी जी एंड उनके कमेटी मेंबर्स को हंड्रेड्स ऑफ कांग्रेस वर्कर्स के साथ डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंडर अरेस्ट करके आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया। ये महादेव देसाई की डायरी, जिसमें उन्होंने गांधी जी के वर्क एंड थॉट्स के बारे में काफी बातें लिखी। क्विट इंडिया मूवमेंट को रोकने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कांग्रेस एंड उनकी वर्किंग कमेटी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अब हम देखेंगे गैलरी नंबर 3, जहां सरोजनी नायडू को नजरबंद किया गया था और 21 मार्च 1943 को उनकी हेल्थ कंडीशन खराब होने की वजह से उनको रिहा कर दिया गया। ये सरोजनी नायडू का फ्रीडम फाइटर्स के साथ करो या मरो का नारा देते हुए स्कल्पचर।
लोगों में फ्रीडम के लिए अग्रेशन बढ़ गया और उन्होंने ब्रिटिश पावर एंड रूल की जो भी प्रॉपर्टी या सामान देखे उन पर हमला कर दिया। एक हफ्ते में उन्होंने 250 रेलवे स्टेशन और 500 पोस्ट ऑफिस पर हमला करके नष्ट कर दिया। 11 अगस्त 1942 को मॉर्निंग में पटना सेक्रेटरेट की बिल्डिंग के टॉप पर 7 स्टूडेंट्स फ्लैग फहराने पहुंच गए और उनको वहां चढ़ते हुए गोलियों से लहूलुहान कर दिया, लेकिन उन्होंने नेशनल फ्लैग को नीचे नहीं गिरने दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत के बाद जर्नलिस्ट को भी अरेस्ट कर लिया। इस मीडिया आइसोलेशन के टाइम मनोहर लाल लोहिया एंड उनके साथ और सोशलिस्ट ने मिलकर सीक्रेट रेडियो को डेवलप किया एंड उसका नाम आजाद रेडियो रखा, जिससे वे लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में सफल रहे। ये स्प्रेडिंग ऑफ द मूवमेंट जिससे लोगों में आजादी के लिए आक्रोश और बढ़ गया। इलीगल रेडियो ब्रॉडकास्ट ये अराउंड 71 डेज तक चला, जिसको 12 नवंबर 1942 के रात को 9 बजे के आसपास सीआईडी की स्पेशल ब्रांच ने सीज कर दिया। पैट्रियोटिक लिटरेचर को स्प्रेड करने पर भी बैन लगा दिया गया। ये उन सीज करे हुए ट्रांसमीटर्स में से एक है जिसको यहाँ शोकेस किया गया है। यहाँ सीक्रेट रेडियो चलाने वाले फ्रीडम फाइटर्स के नाम और उनकी डिटेल्स दी गई है। ये है गैलरी नंबर 4, जहाँ महादेव भाई देसाई को बंदी बनाकर रखा गया और इसी हॉल में 15 अगस्त 1942 को उनकी डेथ हो गई। 21 दिन का उपवास ये अनशन गांधी जी ने तब किया जब ब्रिटिशर्स ने उनके अहिंसक आंदोलन को हिंसक आंदोलन बताने की कोशिश की। ये है गैलरी नंबर 5, जिसमें महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को बंदी बनाकर रखा गया था और इसी कमरे में कस्तूरबा गांधी की 22 फरवरी 1944 में डेथ हो गई। यहाँ महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स शोकेस की गई है। जिसमें डॉक्टर एम डी डी गिल्डर एंड श्री प्यारेलाल नैयर को बंदी बनाकर रखा गया। इसमें बा कस्तूरबा गांधी के गांधी जी के लाइफ में इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन को चार्ट्स एंड डिजिटल स्क्रीन के थ्रू शोकेस किया गया है। यहाँ कुछ बातें शोकेस्ड है जो बा कस्तूरबा की डेथ के बाद गांधी जी ने गवर्नमेंट से जो रिक्वेस्ट करी, एक इंसिडेंट जिसको अ वेलकम मिस्टेक के नाम से बताया गया एंड बा कस्तूरबा की पॉपुलैरिटी का रूट कॉज क्या था। ये बा कस्तूरबा के द्वारा कही गई बात कि हमें अपनी भूलों को बड़ा करके देखना चाहिए। यहाँ कुछ बातें बा कस्तूरबा की जो उनको एक आइडियल लाइफ पार्टनर बनाती है। यहाँ डिजिटल स्क्रीन पे बा कस्तूरबा की पिक्चर एंड कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1953 से 1972 तक यहाँ रेजिडेंशियल को एजुकेशन स्कूल चला। प्रेजेंट टाइम में यहाँ खादी एंड कॉटन गारमेंट्स एंड हैंडमेड टेक्सटाइल्स बिकते हैं और इसी कॉम्प्लेक्स में यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है और वीकर फाइनेंशियल बैकग्राउंड वालों के लिए फ्री ट्रेनिंग का प्रोविजन भी है। इधर है कस्तूरबा गांधी और महादेव भाई देसाई की समाधि। 1992 में महात्मा गांधी की एशेस का एक पोर्शन इस कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया गया था। यहाँ पे कस्तूरबा गांधी और महादेव हरी भाई देसाई की समाधि है।
समाधि पे काफी डिकेड से डेली मॉर्निंग प्रेयर सेशंस भी होते हैं। सो इधर जो है वो गांधी जी के एशेज हैं। अब हम बात करते हैं इस मैजेस्टिक पैलेस की, जो कि वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया के द्वारा डिजाइन किया गया था और निजार इस्माइली मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल लीडर का ये एक्ट ऑफ चैरिटी था। इसको पुणे के नेबरिंग एरियाज में फेमिन अफेक्टेड पीपल की हेल्प करने और उनको रोजगार देने के लिए बनाया गया था। इसका कंस्ट्रक्शन 5 years में कंप्लीट हुआ और हजारों लोगों के इन्वॉल्वमेंट से ये बना और इसके कम्प्लीशन में 1.5 million रुपीज खर्च हुए। ये इंडो सेरासेनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। इस पैलेस का टोटल एरिया 19 एकर्स का है और ये बिल्ट अप पैलेस 6.9 एकर्स में बना हुआ है। आगा खान फोर ने इंडियन पीपल को ये पैलेस डोनेट कर दिया एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू गांधी जी एंड हिज फिलोसॉफी। वॉज ऑल अबाउट आगा खान पैलेस। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने खुद आके ये जगह विटनेस करी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट एंड आई हैव टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव एन अमेजिंग एंड वंडरफुल डे।